देखिए, सबसे पहले तो हमें बांग्लादेश में जो पड़ोसी देश में जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखना है और नाकाबंदी और तेज करनी है, और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जोर दे। अभी तक जो मुझे सूचनाएं मिली हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार जितनी तत्पर होनी चाहिए हमारे सीमा को सुरक्षित रखने में, हमारी भूमि को सुरक्षित रखने में, हमें वो तत्परता नहीं दिखाई दे रही। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो वास्तविक जो मूल समस्या है उस समस्या को समाधान करना जरूरी है। सर, किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि एयर इंडिया ने अभी ट्वीट करके कहा कि उन्होंने फ्लाइट ऑपरेशन सभी बंद कर दिए हैं, जो भारतीय वहां पर हैं उसके लिए क्या कुछ आप लोग मांग रखेंगे विपक्ष के तौर पे सरकार से, क्या कुछ सुझाव रहेंगे और क्या आप लोगों की स्थिति है, कांग्रेस की स्थिति क्या है, स्टेटमेंट क्या है, स्पष्ट क्या है? देखिए, अभी तो सदन चल रहा है, हम तो यही चाहते हैं कि सदन के चलते हुए केंद्र सरकार स्पष्ट करे, देश को बताए कि वो क्या कार्रवाई कर रही है। हम तो चाहते हैं कि हमारे सारे नागरिक सुरक्षित रहे, किसी एक भी भारतीय नागरिक को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, सभी सुरक्षित रहने चाहिए। और जिस वक्त सदन चल रहा है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री आज सदन में थे, विदेश मंत्री आज सदन में थे, वो अपनी बात रख सकते थे, लेकिन मैं आशा करूंगा कि कल सदन में वो अपनी बात रखेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.